आदिवासियों के सम्मान में, हम ओबीसी के सम्मान में, हम आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, नरी पट डायमंड है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा की तरफ से जो आज बहुजन क्रांति मोर्चा का 550 जिलों में जो भारत बंद का आंदोलन है उसे हम पूरी तौर पे समर्थन करते हैं। समर्थन इसलिए करते हैं कि जो वर्तमान केंद्र सरकार ने जो एनआरसी का जो कायदा लाया है, ये एनआरसी का कायदा बहुजन समाज के लिए कितना घातक और कितना षड्यंत्रकारी कायदा है ये हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा मुस्लिम समाज के मेरे सभी क्रांतिकारी भाइयों का कि जिन्होंने इस षड्यंत्रकारी कानून के खिलाफ में आवाज़ उठाई और लाखों की संख्या में रास्ते पे उतरे और जिसके कारण हम SC ST OBC की आँखें खुली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि असम में 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी सईदा अनवर तैमूर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो व्यक्ति VIP है, जो मुख्यमंत्री 3 बार रह चुकी है, ऐसी सईदा अनवर तैमूर उसे इस लिस्ट के बाहर कर दिया गया है। शोकांतिका का आप देखिए, इसकी गंभीरता को आप समझिए, यानी कि जो मुख्यमंत्री रह चुकी महिला है उसे इस लिस्ट के बाहर कर दिया गया है। इतना ही नहीं तो एक माँ का नाम इस लिस्ट से बाहर है, उसी 4 महीने के बच्चे का इस लिस्ट में नाम है, उसके पिता का इस लिस्ट में नाम है और उस माँ का नाम नहीं है जो डिटेंशन सेंटर में है और डिटेंशन सेंटर के बाहर से वो बच्चे को दूध पिलाती है। इतना वो यानी बदन के बाल खड़े करने वाला वो दृश्य है और ऐसी हालात में हमें ला के खड़े करने वाले इस देश के शासन के खिलाफ हम विरोध करते हैं, उनका विरोध करते हैं और इस विरोध में इस भारत बंद को सफलतापूर्वक हम पूरा समर्थन घोषित करते हैं। और मैं बहुजन समाज के तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि अब तो भी जागो, अब तो भी जागो, इस देश के इस कानून के खिलाफ में, इस जो षड्यंत्रकारी जो सरकार है उसके खिलाफ में आप आवाज़ उठाना सीखो। आज देश के 28 राज्यों में ये आंदोलन छेड़ा गया है बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से, इसमें विविध संगठन का जाहिर समर्थन मिला है। हमारी ये मांग है कि NRC ये कानून रद्द होना चाहिए, उसी तरह का NPR जो है, NPR और CAA ये कानून रद्द होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। और हमारा जो तीसरा जो मुद्दा है कि आपको NRC और NPR जो है जो लागू करना है तो DNA के आधार पर आप लागू करो, हम इसको जाहिर समर्थन देते हैं। DNA के आधार पर हम चाहते हैं कि ये देश में NPR और CAA लागू होना चाहिए। सरकार कहती है कि 1970 के पहले के डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, तो डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? ये डॉक्यूमेंट जो है वो हमें राशन कार्ड नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, जिससे हम वोट करते हैं, वोट लेके जो सरकार को केंद्र और राज्य में बैठा है वो वोटिंग कार्ड ही हमारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जिस वोटिंग कार्ड से हमने आपको वोट दिए है तो आप जो सरकार में बैठे हो ये सब चीज़ सरकार में बैठे हुए लोग फर्जी है, इसको तुरंत ही बर्खास्त करना चाहिए।